गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कल ओवरनाइट भी 10 लोगों की मौत जो है कोविड 19 के कारण हुई। कल ऑलरेडी जब मौतों का आंकड़ा कल के मीडिया बुलेटिन में सामने आया तो 47 मौतें पूरे जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसमें से 30 मौतें जम्मू डिवीजन से बताई जा रही थी। लेकिन कल ओवरनाइट भी 10 और लोगों ने अपनी जान जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में गंवाई है। कल जो मौतें हुई हैं उसमें डिटेल्स अगर आप तक पहुंचाएं तो 13 महिलाएं थी जिनकी मौत जो है कल कोविड 19 के कारण हुई है, जिनमें से एक महिला जो थी वो प्रेग्नेंट थी, 36 वर्षीय प्रेग्नेंट महिला थी, रामनगर की रहने वाली उधमपुर से। एक 68 ईयर ओल्ड पुरुष थे जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर थे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर इशाद अहमद हमाल जो कि एस्कॉम्स बत्रा में एडमिट थे, उनकी मौत भी कोविड 19 के कारण हुई। और उसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिला थी जो कि रामनगर की रहने वाली थी, उनकी मौत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामनगर में हुई। 32 वर्षीय एक महिला थी जो कि ब्यूटी पार्लर की ओनर थी, जिनकी मौत जो है वो मेंढर में हुई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में, मेंढर की रहने वाली थी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक स्टोर कीपर थे जिनकी उम्र 59 ईयर्स थी और वो भी मेंढर के ही रहने वाले थे, जिनकी मौत कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में हुई। उसके अलावा एक 52 ईयर ओल्ड मैन थे मोहरा बचई सुरनकोट के रहने वाले, जिनकी मौत भी कल जो है कोविड 19 के कारण हो गई पुंछ में, उनकी मौत भी जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में हुई। एक और 34 वर्षीय युवा थे जो कि सैनिक कॉलोनी के रहने वाले थे और एक 27 वर्षीय महिला थी जो कि आरएसपुरा की रहने वाली थी, इन दोनों की मौत इनके घर पर हुई। एक 86 वर्षीय पुरुष थे विजयनगर तलाबतिलो के रहने वाले, जिनकी मौत भी उनके घर पर कल के दिन में हुई। आप जानते हैं कि कल 5 ऐसे लोग बताए गए थे जिनकी मौत उनके घर पर हुई थी। उसके अलावा अगर डेथ्स की बात की जाए, एक 95 ईयर ओल्ड महिला थी छन्नी हिम्मत की रहने वाली, एक 48 ईयर ओल्ड थे, और उसके अलावा एक 70 वर्षीय पुरुष थे जानीपुर के रहने वाले, एक 51 ईयर ओल्ड मेल थे दुर्गा नगर के, एक 67 ईयर ओल्ड पुरुष थे सिद्रा के, 63 ईयर ओल्ड महिला थी जीवन नगर की, 50 वर्षीय पुरुष थे चिनोर बंतलाब के, 65 वर्षीय पुरुष थे मॉडल टाउन डिग्यारा के, 86 वर्षीय महिला थी शांतिनगर की रहने वाली, 70 वर्षीय पुरुष थे पटोली ब्राह्मणा के रहने वाले, 58 ईयर ओल्ड महिला थी कनाल रोड की रहने वाली। ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जो है कोविड 19 के कारण गंवाई। उसके अलावा एक 65 वर्षीय महिला ने कटरा में अपनी जान गंवाई, एक 43 वर्षीय महिला जो है रखम ताली की रहने वाली उन्होंने अपनी जान गंवाई, और 59 ईयर ओल्ड पुरुष थे सांबा के रहने वाले, उनकी मौत जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ में हुई। साथ ही में और भी लोग जो हैं डेथ्स नाम बता बता कर एक व्यक्ति थक जाएगा, क्योंकि 30 मौतें कल जो हुई हैं अभी तक का हाईएस्ट डेथ टोल जो है बताया जा रहा है कोविड 19 के कारण। दो महिलाएं थी, एक 50 वर्ष की एक 60 वर्ष की, जो कि रहने वाली थी कठुआ की, जिनकी मौत जो है जीएमसी कठुआ में हुई, और इसके अलावा एक 65 वर्षीय महिला थी गुल रामबन की रहने वाली, जिनकी मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही। एक 80 वर्षीय महिला थी जिनकी मौत सीएससी भदरवा में हुई, एक 59 ईयर ओल्ड महिला थी जिनकी मौत उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुई, और ये वो 30 कैजुअलिटीज थी जो कल के दिन में कोविड 19 के कारण देखने को मिली। उसके अलावा अगर बात की जाए कि अब कोविड 19 से लड़ने के लिए क्या फैसले जो हैं वो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, एक मीटिंग जो है डिवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने ली, और उस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर जम्मू भी मौजूद थे, मिशन डायरेक्टर एनएचएम मौजूद थे, अन्य अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एचओडीज मौजूद थे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग मौजूद थे। साथ ही में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स थे गांधीनगर हॉस्पिटल के, जीएमसी जम्मू के, और अन्य साइकेट्रिक हॉस्पिटल के, सीडी हॉस्पिटल के, वो सभी लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। आपके साथ शेयर किया जाए कि उस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए और क्या कुछ डिस्कशंस की गई कोविड 19 के केसेस के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, और साथ ही में ऑक्सीजन सप्लाई को पूरे जम्मू में अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैनेज करने के लिए। पहली चीज़ ये डिसाइड की गई कि कोविड और नॉन कोविड एरियाज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में भी नोटिफाई कर देना चाहिए, ताकि कंप्लीट बाइफर्केशन हो सके, लोगों को पता हो कि कौन सा एरिया कोविड एरिया है, कौन सा एरिया नॉन कोविड एरिया है। उसके अलावा ऑक्सीजन की यूजेज को लेकर ये कहा गया कि कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स में रैशनल और जुडिशियस यूज जो है वो कोविड ऑक्सीजन का होना चाहिए, और लीकेजेस और वेस्टेज अगर कहीं पर भी हैं तो उन्हें प्लग करने की ज़रूरत है, प्रोटोकॉल सेट कर देने होंगे ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए। साथ ही में जॉइंट टीम सुपरवाइजर की और बायोमेडिकल इंजीनियर्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से और अन्य कंसर्न वार्ड से वो ये इंश्योर करेंगे कि प्रेशर जो है ऑक्सीजन का उसे मॉनिटर किया जाता रहे और ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी चेक किया जाए,
ताकि लीकेजेस कहीं हो उसका भी पहले ही पता लगाया जा सके। साथ ही में एक लॉग बुक बनाने को कहा गया कि लॉग बुक मेंटेन करके रखिए, जिसमें आप एंटर करें कि कहां पर कहीं पर लीकेजेस की अगर प्रॉब्लम आ रही है, कितने सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, कहां पर प्रेशर लो हो रहा है, इन सब की एक लॉग बुक बनाकर रखने को कहा गया है। साथ ही में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के और एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू के, उनसे ये कहा कि आप ऑक्सीजन सप्लाई को रिव्यू करते रहें और क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एरियाज को रिकन्फिगर करें। आप देखेंगे कहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, कहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत नहीं है। मैं इस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर की ओपीडी के बाहर हूँ, क्योंकि ओपीडी इस समय यहाँ पर फंक्शनल नहीं है, क्योंकि इस एरिया को टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। जितने नंबर ऑफ केसेस दिन भर में बढ़ रहे हैं, और साथ ही में जहाँ पर आपकी अब चेजीज हॉस्पिटल को भी खोल दिया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए, वहाँ अब ओपीडीज को लेकर भी एक फैसला जो है वो सरकार लेने के सोच में है। एक सुझाव दिया गया है कि जितनी भी ओपीडीज हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स की, उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इसमें कहा गया है कि पहले फाइनेंशियल कमिश्नर एचएनएमई डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन की जाएगी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर जब राजी होंगे उसके बाद जो है ओपीडी को शिफ्ट करने के बारे में सोचा जाएगा। उसके अलावा और भी डिसीजंस जो है वो लिए गए। ये कहा गया कि जो पेशेंट्स की शिफ्टिंग है लेवल 1 से लेवल 2 सेक्शन में स्टेबलाइजेशन के बाद, उसे जल्दी कर देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो। यानी कि जब आप जानते हैं कि एक पेशेंट स्टेबल हो गया है तो उसे ज़्यादा देर तक उस ऑक्सीजन बेड पर ना रखा जाए, जिससे ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो और वो पेशेंट जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाए। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है सेट करने को कहा है लेवल 2 और लेवल 3 पेरिफेरल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से, जिसे सर्कुलेट करेंगे सभी सीएमओज और बीएमओज। यानी कि आप जानते हैं अलग अलग पेरिफेरी से, डोडा, भदरवा, कठुआ, अलग अलग जगहों से जब एक पेशेंट कोविड पेशेंट सिक हो जाता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है जीएमसी जम्मू। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताना है कि किस कंडीशन में आपको एक पेशेंट को रेफर करना है दूसरे हॉस्पिटल में, किन कंडीशंस के अंदर, और सीएमओज और बीएमओज में ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है उसे सर्कुलेट किया जाएगा, ताकि वो ये डिसीजन लें कि किस पेशेंट को शिफ्ट करना है और किस पेशेंट को वहीं के डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, वहीं के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ट्रीट करना है। उसके अलावा ट्रायजिंग जो पेशेंट्स की है उसे सीडी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को शुरू करने को कहा गया है, और ये भी कहा कि जितने भी सिविल वर्क्स का काम है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू जो है एग्जीक्यूट करेंगे। साथ ही में जो वर्क्स है चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के, उसको नोटिफाई करना होगा। ट्रायजिंग से मतलब ये कि जब भी कोई पेशेंट आएगा डायरेक्टली आप उसे जीएमसी जम्मू में एडमिट नहीं करेंगे जब तक इमरजेंसी नहीं होगी। एक जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रही है, आप उसे पहले चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल लाएंगे, वहां पर वो पहले पेशेंट को एनालाइज करेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसकी कंडीशन देखेंगे, उसके बाद फैसला ये लेंगे कि क्या उसे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में रखना है, क्या उसे गांधीनगर हॉस्पिटल भेजना है, क्या उसे जीएमसी जम्मू रेफर करना है। तो ट्रायजिंग जो पेशेंट्स की होगी वो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में कंडक्ट की जाएगी। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल आपको ऑक्सीजन सप्लाई की मैनेजमेंट में करना है। कोविड 19 के पेशेंट्स के मामले में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई कितनी ज़रूरी है, तो उसमें कहा है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं आप उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करें ऑक्सीजन सप्लाई की मैनेजमेंट में। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो सीडी हॉस्पिटल के हैं उन्होंने एक इशू रेज किया कि उन्हें कोविड वार्ड्स में 10 से 15 लीटर की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत है, और उसे अग्री किया गया इन प्रिंसिपल कि जब अवेलेबिलिटी होगी तो वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एमसीएच हॉस्पिटल गांधीनगर के, उन्होंने भी एक इशू रेज किया कि बेटर पेशेंट केयर कोविड पेशेंट्स को देने के लिए 400 सिलेंडर्स की ज़रूरत है। इट वॉज अग्रीड कि अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आपको 400 सिलेंडर्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन यह भी कहा गया कि जब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है, जो कि ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर हॉस्पिटल में बन रहा है, उसे जब एमसीएच हॉस्पिटल में एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है ये कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पुलिस पर्सोनल को सभी कोविड हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय करना होगा, ताकि कहीं भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन बने तो उसे हैंडल कर सकें। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, ईएसआईसी है बड़ी ब्राह्मणा, जीबी पंत हॉस्पिटल सतवारी, कंपोजिट हॉस्पिटल बंतलाब और पुलिस हॉस्पिटल गांधीनगर, ये कहा गया कि उनकी सर्विसेज का भी आप इस्तेमाल करें अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कोविड 19 के पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए। जहां तक जम्मू कश्मीर में कोविड 19 के केसेस को देखा जा रहा है, एक चीज़ पर डॉक्टर्स भी परप्लेक्स्ड हैं। नंबर ऑफ केसेस की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ केसेस आपको कश्मीर में जम्मू के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जब मैं जम्मू की बात करूँ तो मैं पूरे जम्मू संभाग की बात कर रही हूँ। आप लगातार जब कोविड 19 के केसेस का आंकड़ा देखेंगे दिन भर का, उसमें आपको देखने को ये मिलेगा
कि डेली 1/3 केसेस जो आ रहे हैं वो आपके श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। उसके अलावा भी जम्मू के डिवीजन के कंपैरेटिवली कश्मीर डिवीजन में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ तक बात है फिटेलिटी का, मोर्टैलिटी का, यानी कि वो लोग जिनकी मौतें कोविड 19 के कारण हो रही हैं, तो वो नंबर अब आपको जम्मू डिवीजन में जंप करता नजर आ रहा है। जहाँ इन्फेक्टिविटी और पॉजिटिविटी आपको कश्मीर डिवीजन में ज़्यादा मिल रही है, वहीं मौतें ज़्यादा जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रहे हैं। इस पर भी डॉक्टर्स परप्लेक्स हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि इस समय कहा यह जा रहा है कि शॉर्टेज किसी भी चीज़ की नहीं है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी बेड्स कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है, 405 कर दी गई है बेड्स कैपेसिटी, लेकिन 405 में से भी 229 बेड्स वो हैं जहाँ पर पेशेंट्स हैं ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर। ऐसे ही अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी जो है बेड्स को इंक्रीज किया जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कहा यह जा रहा है कि पूरी है। लेकिन एक मसला कल जो एसओएमएस बत्रा में देखने को मिला, जिसमें परिजनों ने यह इल्ज़ाम लगाया कि ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने के कारण व्यक्ति की मौत हुई है, और वहीं एसकॉम्स बत्रा के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन मल्होत्रा ने डिनाई किया कि ऑक्सीजन सप्लाई का इसमें कोई लेना देना नहीं था। जब पेशेंट्स एडमिट थे, दो पेशेंट्स उनमें से ऑलरेडी कोविड नेगेटिव हो चुके थे, लेकिन उनके लंग्स की कंडीशन ऑलरेडी इतनी डिटीरियोरेट हो चुकी थी कि वो नॉर्मल एनवायरमेंट में सांस नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया था। लेकिन उन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई एक कारण नहीं है जिसके कारण उन व्यक्तियों की, जो चार लोगों की कल मौत जो है एसकॉम्स बत्रा में हुई, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई उनमें से एक कारण नहीं है। हालांकि एक शॉर्टेज उन्होंने खुद ही सुबह माना था कि शॉर्टेज ऑक्सीजन की एसकॉम्स बत्रा में थी, लेकिन बाद में उन्होंने ही कहा कि इस शॉर्टेज को अब एड्रेस कर लिया गया है। अन्य हॉस्पिटल से अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है जहां पर कहा यह गया हो कि ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन की भी अगर बात की जाए, तो वैक्सीनेशन की एक चीज़ देखने को मिली कि अलग अलग जगहों पर जो 18 से 44 की एज ग्रुप के लोग हैं, जिनको अब May 1st से अलाउ किया गया है कि आप भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, स्लॉट बुकिंग में अभी भी एक मसला बना हुआ है। मसला ये कि स्लॉट्स आपके कुछ ही टाइम के लिए खुलते हैं, कभी वो रात को 11 बजे खुलेंगे, कभी वो दिन में 10 बजे खुलेंगे, कभी वो दोपहर को 3 बजे खुलेंगे, कभी वो शाम को 5 बजे खुलेंगे, और उसमें जो लोग अपने स्लॉट बुक कर लेते हैं, कई बार उनके स्लॉट्स जो हैं कैंसिल कर दिए जाते हैं। कई बार एक ही टाइम स्लॉट में, जैसे 10 से 11 का टाइम स्लॉट है, उसी में 50 लोगों की आपके स्लॉट बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन उसी में 100 लोगों की स्लॉट बुकिंग हो जाती है क्योंकि स्लॉट्स जो हैं वो ब्लॉक नहीं हो रहे। ऐसा लोगों का कहना था जो लोग आज स्काउट्स एंड गाइड्स के दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए थे वैक्सीन लगवाने के लिए, और एक भीड़ जो है वहां पर इकट्ठी हुई थी लोगों की, जो लोग लगवाने तो वैक्सीन आए थे, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोविड के इन्फेक्शन फैलने के भी पूरे पूरे चांसेस वहां पर हैं। तो वैक्सीनेशन को भी सरकार को ये सोचना होगा कि उसे भी प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि अब जिस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए कहा जा रहा है वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और अगर आप इसे स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो आपको इसी तरीके से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ओपीडीज को लेकर जो है फैसला जल्द से जल्द जो है सरकार को ले लेना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अन्य जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओपीडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल में शिफ्ट करना है या नहीं करना है, और साथ ही में ऑक्सीजन सप्लाई की मैनेजमेंट को थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की जरूरत है, ताकि जो सिलसिला कल एसकॉम्स बत्रा में देखने को मिला वो आने वाले दिनों में देखने को ना मिले और कोविड 19 पेशेंट्स की जानें ना जाएं।